कृष्णा हेगड़े जी, ये बताइए कि अभी भी ये जो 18 सीटों पर रार मची हुई है आप लोगों के गठबंधन में, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? संजय राउत कहते हैं कि भाई शिवसेना, क्योंकि ये डुप्लीकेट शिवसेना है, इनको परमिशन लेनी पड़ती है, आलाकमान तो दिल्ली में बैठा हुआ है, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, हम ओरिजिनल शिवसेना है। ये रार जो है इसकी वजह क्या है आपके हिसाब से? देखिए, कोई 18 सीट नहीं है, सभी सीट ऑफिशियली अनऑफिशियली डिक्लेयर हुई है। अभी कलीना की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसका ऑफिशियली नाम नहीं आया है कैंडिडेट का, लेकिन वो 10:15 बजे कल अपना पर्चा भर रहे हैं, तो सभी जो सीट है वो डिक्लेयर हुई है। दूसरी बात है ये है कि जैसे जफर भाई ने कहा, रामदास आठवले जी और RPI का उनका खुद का के आशा होंगे कि कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, लेकिन रामदास आठवले जी को हमने राज्यसभा दिया है और उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया है, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री साहब ने नॉमिनेशन भरा वहां पर रामदास आठवले जी भी थे। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा, अरे 40 विधायक की चोरी, अरे 40 नहीं, 110 विधायक चले गए, आप सो रहे थे क्या? ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना हाईकोर्ट पे विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, आपको सिर्फ रोना है, 2.5 साल से आप रो रहे। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई ईडी का तंत्र वापरते, CBI का तंत्र वापरते, ये बहुत शरीफ बन रहे थे आलोक भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में 2.5 साल में इनकी जब सरकार आई थी, उन्होंने यहाँ पर तभी के पुलिस कमिश्नर को लेके देवेंद्र फडणवीस और 4 BJP के मंत्रियों को जेल में डालने की कोशिश की, और यहाँ पर टीवी पर आके बहुत शरीफ बन रहे कि आप ईडी वापरते और CBI वापरते, तो क्या कर रहे थे उन लोग महाराष्ट्र में, वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे आलोक भाई? और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो फॉल्स नैरेटिव इन्होंने लोकसभा में शुरू किया था, जिसके वजह से कुछ दलित भाई और मुसलमान भाई बहन जाके अलग वोट किए थे, तो देखिए अभी हरियाणा में भी साबित हुआ कि ये फॉल्स नैरेटिव नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में भी ये होने वाला है। क्या फॉल्स नैरेटिव क्या था कृष्ण? देखिए, संविधान बदला जाएगा, संविधान को खतरा है, हमारे हमारे जो संभाग्य प्रधानमंत्री जब अभी 11 साल ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री है और उसके पहले 13 साल वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कौन सा संविधान बदला उन्होंने, कौन सा संविधान को खतरा था वो बताइए। ये फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, उनका वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 बार कोशिश किया, इनको वोट तो गिरा नहीं है। पहले बार 40 सीट, दूसरे बार 50 सीट, तीसरे बार 99 सीट, अरे इनका 100 का आंकड़ा भी 3 इलेक्शन में पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ी है ना इनको, तो हम इनको ठीक है। आलोक जी जल्दी से इसका एक जवाब दीजिए। प्रणय जी मैं आता हूँ आपके पास, एक मिनट प्रणय जी थोड़ा सा सब्र कीजिए। आलोक जी इसका जल्दी से जवाब दीजिए, ये फॉल्स नैरेटिव बार बार नहीं चलेगा, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये बार बार बताया जा रहा है, और हरियाणा के बाद और जोर शोर से बताया जा रहा है आपको। देखिए, मुझे लगता है कि इन्हीं के तमाम सांसद थे, एक सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि 400 आने चाहिए, अब की बार 400 पार, और वो इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलेंगे, और इन्होंने संविधान को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बदलने का प्रयास भी किया, खास तौर पर जिस तरह से रिजर्वेशन पे कुठाराघात किया। कृष्णा भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, और मुझे लगता है कि अब इनकी 7-8 सीटों पर तो BJP ने इनकी हथियाई ली है, अभी बेचारे क्या करें, मतलब वो ले गई BJP, इनके सिटिंग MLA जहां थे वहां भी BJP ने डिक्लेयर कर दिया। और दूसरा ये है कि नहीं बिल्कुल, देखिए दूसरा ये है कि अब शिंदे जी को क्या है, वो डमी CM बैठाया था, असली तो BJP ही गेम करती है और BJP के पीछे अडानी बैठते हैं, तो वहां सरकार तो अडानी की है। अब मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि भाई वो नेचुरली करप्ट पार्टी को किसने तोड़ा था? क्या वो वहां पर नेचुरली करप्ट पार्टी के सारे केसेस वापस ED CBI से हुए थे कि नहीं हुए थे? उन केसेस का क्या चल रहा है अभी भी? लेकिन इन्होंने गर्दन पे लगता कहीं ना कहीं तलवार रख रखी है, केसेस अभी कोर्ट में बंद नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं BJP अपनी हाथ में कमान रख के चलती है। कृष्णा भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी पार्टी को चकनाचूर कर दिया है, और हालत यह है कि BJP और ज्यादा परेशान है इनसे कि BJP से ज्यादा सांसद इनके आ गए थे, तो BJP इस बात से बड़ी तिलमिलाई हुई है कि BJP 4th-5th नंबर की पार्टी हो गई वहां पर। अब दिक्कत यह हो रही है कि इनको जाना तो है ही, सबकी जो है फाइलें बनी पड़ी है BJP के पास, अब ये कोई भी चू नहीं कर सकता है। अठावले वठावले जी की क्या हिम्मत है, डमी लोग हैं,
ये कास्ट के बेसिस पे अपना गेम करते हैं, बीजेपी वो खेल में उसमें शामिल रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आलोक जी को भी नहीं मिलेगा कुछ, चिराग पासवान जी को भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नाराजगी किसी गुट में है, किसी गठबंधन में है और उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है या सुलझा लिया जा रहा है, तो उस गठबंधन के लिए तो अच्छी बात है। आप लोग सुलझा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो हमको और बहुत लोगों को मुझे समझ में आ रहा है कि इसका नुकसान होगा आपके गठबंधन को। ये इस बात का एहसास कि आप लोगों को नहीं है? देखिए मुझे समीर भाई, हमने सब सुलझा के रख रखा है फाइल में पैक करके। नहीं तो सुलझा लिया होता तो फिर अबू आजमी को सामने आके ये क्यों कहना पड़ता कि भाई 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25-30 आजाद उम्मीदवार उतार देंगे? देखिए हर वक्तव्य की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। हम भी देख रहे हैं कि बीजेपी उस वक्तव्य को किस रूप में लेती है। अच्छा, हमारे अंदर पूरी तरह से सब पूरा तय हो चुका है। शरद पवार जी बैठे हैं वहां पर, तमाम सीनियर उद्धव जी बैठे हैं, नाना पटोले जी बैठे हैं, सरकार तो हमारी आ ही रही है। अब इनको देखना है कि ये किसको क्या दें क्या नहीं दें। शिंदे जी के 7-8 सीटें उन्होंने बीजेपी वालों ने ले ली। मैं बोलता ना, मैं इसकी जवाब देता हूं। ये आप बार बार कृष्णा जी को उकसा क्यों रहे हैं? समीर भाई, मतलब आप चाहते हैं जिस तरह के बयान आपके गठबंधन में आ रहे हैं, इधर से भी वैसे ही आए, उकसा रहे हैं जो है कृष्णा जी? जनता पार्टी के, मैं जवाब दे दूं समीर भाई? एक मिनट जफर भाई, कृष्णा जी इधर कुछ सुगुगाहट है क्या? असंतोष कुछ इधर भी है क्या आपके खेमे में भी? सुनिए, 7-8 जो कैंडिडेट है वो हमारे सिंबल पे लग रहे हैं। वो हमारा इंटरनल एक्सचेंज है, हमने सिंबल या कैंडिडेट स्वॉप कर दिया। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके महाविकास आघाड़ी से सचिन सावंत को अंधेरी का टिकट दिया गया है, तनवानी को संभाजीनगर का टिकट दिया गया है। ये तो उनके तरफ से लड़ना भी नहीं चाहते उनका कैंडिडेट। वो बोलते हैं उन्होंने तो हथियार गिरा दिया, उन्होंने बोला भाई हमको टिकट दिया है आपने, हम जीतने वाले नहीं है। हम तो लड़ना भी नहीं चाहते। यानी कि महायुति की जो सरकार है वो फिर से आ रही है, वो इनके लोगों को भी पता है। इसके लिए वो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते टिकट मिलने के बाद।